Leia. क्यों ना देख से ये सुनने है गोया सुखी है लोया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, दुनिया व आखिर की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। आज का भी लोग कहते हैं जी शुरू, तो अब्बा जी के साथ आया हूँ। अब्बा जी पीछे ही कहीं रुके हैं, आदमी के पास काम था और चारा मरा कटा हुआ है, बस डाल के लेके जाना है, कहीं बाबा जी ने काट के साइड पर रखा हुआ है। तो बस अभी ये रस्सियाँ इसमें, तो इनके साथ ही बांध के लेके जाएंगे हम। अस्सलाम वालेकुम बड़े पे, और तबीयत से ठीक है? हुने बड़े के काफी देर तक बड़े, मैं कहा हूँ ही बड़े जाके तो सही आया नहीं। अबू वो पीछे रुके हो या वो नदीम दे को रुके सिगे को पता नहीं को काम कुम सिगा। मैं अभी डालता हूँ, स्टैंड वगैरह तो नहीं है मेरे पास, तो नहीं तो इसको दिखाते हम। बस मैं डाल लेता हूँ फिर लेके चलेंगे, रिक्शे वाले को भी कॉल करेंगे। अभी हम दो भरियाँ हमने बना ली हैं, एक ये एक इधर है, और वो रिक्शा भी हमारा आ गया, उस पर रख के लेके जाएंगे। अभी तबीयत माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है मेरी अब, तो छुट्टी पहले भी काफ़ी हो चुकी है क्लास से, तो अब कुछ प्रोग्राम बना रहा था मैं जाने का। देखो अनकरीब इन्हीं दो तीन दिन में शायद मेरा वापसी का प्रोग्राम बन जाए, तो इसी वजह से आज बाहर निकला। मैंने कहा इधर का माहौल देख के जाएं, बाद में महीने के बाद चक्कर लगता है वापसी। तो अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल? तबीयत है ठीक है? दात्री मोटरसाइकिल थी सी? बस मुकम्मल हो चुका है, अब वापसी है हमारी। क्यों हमारे आने से पहले ही वो चारा कटा हुआ था, बाबा जी ने काट दिया था, बस आगे से थोड़ी सी मक्की है वो भी कटी हुई है, बस ऊपर रखनी है और लेके जानी है। तो टाइम से फारग हो चुके हैं, अभी हम वापस चलते हैं घर में। इधर से मक्की काटी है हमने, वो देखें लेके आ रहे हैं, तो इस पर ही ऊपर रख के लेके जाएंगे हम। बस मक्की भी ख़त्म हो गया और जो हमारी चरी थी जो उधर पट्ठे लिए हुए थे वो भी ख़त्म हो चुके हैं। अब अपने पट्ठे चेक करेंगे शाम को कि उनको हाथ लगाने वाला हुआ तो फिर उधर ही हाथ लगाएंगे हम अपने पट्ठों में। हम बोली है ना क्यों असि बाहर नहीं कड़ी दी, घर आले कढ़ दे। ये थले भी फर्श लगा हुआ लगता, डबल फर्श लाया। अबू बाकी लाड़ दिया, बाकी लाड़ दिया, इन्हू बड़ी मुश्किल ना संभाल लिया असि।
ये आप फसाया सी पिलर दी वजह दा मेरी उजड़ी हुई हालत हो रही है, काम करवा के आया हूँ क्यों, ये सर्दियों की वजह से काफ़ी काम रुका हुआ था। तो वो ये मेरा दोस्त भी है जो ये काम कर रहा है, मिस्त्री का काम करता है, तो ये सुबह से आया हुआ था तो बाहर का काम कर रहा था, तो वो मुकम्मल करके अंदर का काम कर रहा है अभी। बस ये भी ख़त्म होने वाला है, बस खाना तैयार हो रहा है, खाना खिलाएंगे, उसके बाद थोड़ा सा काम है तो वो मुकम्मल करेंगे। तो बस आज का काम यही था, बस अभी करवा रहे हैं। तो बस मैं खाने का पता करने आया था, बस अभी चल देखते हैं खाने की क्या सूरत हाल है। ये तैयार हो रहा है खाना, इधर रोटी पकेंगे, ये बस तैयार है। ये मैं सामान और खाना वगैरह लेके जा रहा हूँ उनके लिए। मैं आ रहा ये दीवार मुकम्मल की है और ये फर्श था थोड़ा सा, ये भी मुकम्मल हो चुका है। अभी ये खला है एक दीवार में, इसको मुकम्मल करना है, बस वो खाना खाने के बाद करेंगे। अभी खाना खा लें है? मैंने नहीं लगता कि रुके गए थे, या कोई एक अद्धा केले ला दे साइड ते। मेरा हर नेटवर्क का पैकेज हैगा, जितने मर्जी करो। हमारा काम तकरीबन मगरी के वक्त ख़त्म हो चुका था, अभी तकरीबन ईशा का टाइम हो रहा है, 7:45 का टाइम हो रहा है। तो सर्दियों के दिन आ रहे हैं तो ये जानवरों के लिए काफ़ी तंगी हो रही थी अंदर, इसीलिए उनके लिए कुछ सेटिंग करनी थी। तो ये जो मिस्त्री हजरात हैं ये मेरे दोस्त हैं बचपन के, तो मिस्त्री पना करते हैं, तो जो भी काम होता है ये हमारे घर का ये मुकम्मल काम भी इन्होंने किया है। तो बस काफ़ी इतना ज़्यादा काम नहीं था, बस छोटा सा था, वो ज़मीन को थोड़ा सा जो नीचे वाला हिस्सा है वो सीधा करवाना था, और दीवार थी बस वो करवाई है। बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करेगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, और अपने भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त और बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।